अगर अपनी बीवी को जिंदा देखना चाहता है तो जाकर अपनी माँ अनीता लूथरा को जेल से निकलवा, वरना What? Hello? Hello? उस आदमी को ये सब कैसे पता? तो कोई भी नहीं है, तो फिर जिसने भी मुझे ऊपर फोन करके बोला उसे कैसे पता कि ऊपर क्या हो रहा है? The hell is going on? हेलो हेलो मिस्टर लूथरा, मैं देशमुख बोल रहा हूँ मुंबई से। आपके लिए गुड न्यूज है, हमारी कंपनी आपको हमारे एनुअल फंक्शन का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहती है। आई थिंक यू आर हैप्पी नाउ। ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप कब से हमें ट्राई कर रहे थे, राइट? या ओके थैंक्स मिस्टर लूथरा, आर यू ओके? या आई विल कॉल यू बैक, थैंक्स। आई थिंक ये प्लान मेरी मॉम का ही है, ताकि वो मुझ पे प्रेशर डाल सके कि मैं उन्हें जेल से बाहर निकालूं। लेकिन मैं ये मॉम के मकसद को पूरा नहीं होने दूंगा। आखिर पता तो लगाऊं कि कौन है जो मॉम की मदद कर रहा है। हाँ सुन, मेरे को तो समझ नहीं आता कि युवराज को हो क्या गया। सवेरे सवेरे किसी को बताए बिना निकल गया, चुप रहता है, कुछ बात नहीं करता। अगर बताएगा नहीं तो हम उसकी मदद कैसे करेंगे? Excuse me, ट्विंकल के बारे में कुछ पता चला? वो एक्चुअली मैंने अभी अभी युवराज को जल्दी में कहीं जाते हुए देखा, तो मुझे लगा शायद। क्या पता, वो तो हमें कुछ बता ही नहीं रहा है। कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं है। सब कुछ अकेले करना चाहता है। बार बार यही कह रहा है कि वो ट्विंकल के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन हमें कुछ नहीं बता रहा। समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों मैनू ऐसे लग रहा है जैसे कहीं वो अनीता से मिलने तो नहीं गया। अनीता नासूर बना दी उसने हमारी जिंदगी। पता नहीं अब कौन सी नई शर्त होगी, कौन सी मांग होगी उसकी। एक मिनट, अनीता यू मीन अनीता लूथरा? वैसे भी इस अनीता ने आप लोगों को पहले भी काफी परेशान किया है, और मैंने न्यूज में भी पढ़ा था कि कुंज के मर्डर में भी इन्वॉल्व थी। रियली सॉरी, लेकिन ऐसी औरत के पास आप लोगों ने युवराज को अकेले कैसे जाने दी? अगर उस औरत ने कुछ कर दिया तो आई थिंक मुझे युवराज के साथ जाना चाहिए। ही नीड्स माई हेल्प। थैंक यू। आप लोग प्लीज पुलिस को ट्विंकल के दोस्तों के बारे में बताइए। आई मीन जिन लोगों के साथ वो मिलती थी। अगर कोई ऐसा इंसान हो जो ट्विंकल को नापसंद करता हो, आई मीन अगर ट्विंकल का किसी के साथ कोई पंगा था, तो प्लीज बताइए। और ऐसा कीजिए, तो आप ट्विंकल जी की कुछ फोटोज आपके पास हो तो हमें दे दीजिए। उन फोटोज को हम अपने कुछ थानों में भिजवा देंगे और न्यूज़पेपर में पब्लिश भी कर देंगे। जी इंस्पेक्टर साहब। मिस्टर युवराज, जब लास्ट टाइम आपने ट्विंकल जी से बात की, क्या वो कुछ डिस्टर्ब थी, कुछ परेशान थी, आई मीन कुछ टेंशन में थी क्या? तो युवराज, मिस्टर युवराज, मैं आपसे बात कर रहा हूं। युवराज? हाँ, क्या क्या हुआ, कहाँ खोए हो? नहीं नहीं कुछ, सॉरी, बोलिए। मेरे आदमी का कॉल है,
शायद उसे माँ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, लेकिन मैं ये कॉल यहाँ नहीं ले सकता। एक जरूरी कॉल है। I'll just take this and come, yeah? वो क्या है ना, मैंने लगता है कि बेचारा यूवी ट्विंकल को लेकर बहुत परेशान है, टेंशन विच है, इसलिए वो चुप है, कुछ कह नहीं पा रहा। नोट एन इश्यूज, आप लोग परेशान मत होइएगा, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जैसे कुछ पता चलता है हम आपको बताते हैं। हाँ जी, थैंक यू। मैं करूँ सर, मैंने अनीता मैडम के सारे आदमियों से बात कर लिया, लेकिन इस प्लान के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। शायद मैडम ने यह काम किसी बाहर के आदमी से कराया है। जिसने भी ट्विंकल को किडनैप किया है वो रैंसम के लिए एक बार जरूर फोन करेगा। अरे जो भी हो, लेकिन पता तो चले उनकी मांग क्या है। मेरा फोन उठे, मैं अभी ले। मैं यूवी किससे बात कर रहा है? हो सकता है उसका कोई आदमी होगा ट्विंकल को ढूंढने के वास्ते, लेकिन अगर यूवी अपनी तरफ से ट्विंकल का पता लगाने की कोशिश कर रहा है तो पुलिस ने क्यों नहीं बता रहा है? उन्हें बताना तो जरूरी है। अगर मॉम की टीम के किसी आदमी ने ट्विंकल को किडनैप नहीं किया तो फिर किसने किया, कौन हो सकता है? I just don't get it. I fail to understand. ट्विंकल का मंगलसूत्र, समझ क्यों नहीं आ रहा है तुझे? तुझे बोला ना कि पुलिस और उस बॉक्सर को भगा यहां से और जाकर अनीता लूथरा को जेल से निकाल। लेकिन तुझे तो अपने गुंडों के साथ गप्पे मारने से फुर्सत ही नहीं। अगर तूने और टाइम लगाया तो अभी तो सिर्फ तेरी बीवी का मंगलसूत्र भेजा, बाद में जाने क्या आएगा गिफ्ट रैप। What the f- is this? कौन कर रहे हैं सब? Oh, Twinkle, I just hope you're safe and fine. Yuvi, उतर। Baby. रॉकी, क्या हो गया तुम्हें? चोट कैसे लग गई? बैठा बैठा उतर बैठ जा। ये चोट कैसे लग गई? फर्स्ट एड बॉक्स वो ड्रॉर में है, मैं लाती हूँ। उतर, देखो इतना गहरा कट कहाँ से आ गया? मैं अंदर अपने कॉन्टैक्ट से ट्विंकल के बारे में अपडेट ले रहा था कि अचानक एक आदमी मास्क पहन कर आया और मुझ पर अटैक कर दिया। हम शर उसे इस घर के नक्शे के बारे में अच्छे से पता था, मुझ पर वार करते करते बस एक ही बात दोहरा रहा था, तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही। इससे पहले कि मैं कुछ रिएक्ट करता वो वहां से भाग गया।
समझ क्यों नहीं आ रहा है तुझे? ऐसा ही कुछ उस आदमी ने फोन पे मुझसे कहा और उस नोट में भी यही लिखा था। बहुत दर्द हो रहा है ना, लेकिन ये सब किया किसने? आखिर कौन है जो रॉकी को चोट पहुंचाना चाहता है? अरे वही लोग होंगे जिसने ट्विंकल का किडनैप किया होगा। उसे पता चल गया होगा कि रॉकी साड़ी मदद कर रहा है, इसलिए उसने हमला किया होगा रॉकी पर। रॉकी पुत्र, पुत्र जा ऊपर जाकर आराम कर, मैं ले जाती। यूवी पुत्र, तू एक काम कर। जी बेबी। तू जल्दी से इंस्पेक्टर साहब को फोन लगा और बता कि रॉकी पर हमला हुआ है। पुत्र, कोई गल है जो तू मेरे नाल शेयर करना चाहता है? कोई परेशानी जो तेनू सता रही है? अगर मैंने लीला माँ को धमकी वाले कॉल और नोट के बारे में बता दिया तो वो बहुत स्ट्रेस में आ जाएंगी। मुझे ये अकेले ही हैंडल करना होगा। अब नहीं लीला माँ, मैं बस ट्विंकल को लेकर थोड़ा वरिड था। मेरे दिमाग में बार बार एक ही थॉट आ रहा है कि ट्विंकल सही सलामत वापस घर आ जाए, बस यही मैं चाहता हूँ। हाँ पुत्र, यही अरदास तो मेरी भी है, लेकिन मैनू लगा शायद तू बाहर गया तो तू किसी से मिला, किसी से तेरी कोई गल हुई। नहीं नहीं, वो एक्चुअली घर पे बैठे मुझे बहुत घुटन हो रही थी, तो थोड़ी फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर चला गया था, दैट्स इट। I thought, इतने साल आप जेल में रहने के बाद आप में कुछ पॉजिटिव चेंज आ गया हो, लेकिन आप तो वहीं के वहीं, वही पुराने गेम्स, प्लॉटिंग, पता नहीं क्या भूल है आपको कि आप किसी ना किसी से कोई ना कोई चीज करवाई जा रही और ट्विंकल को परेशान कर रही। चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी सारी डिमांड्स में मानूंगा, लेकिन ट्विंकल को बचाकर ही दमूंगा। नोन नंबर। हेलो। बाहर खड़े रहकर टाइम पास मत कर, अंदर जाओ और अपनी माँ को जेल से रिहा कर। और हाँ, खबरदार अगर तूने अनीता जी से बात करने की कोशिश की, चुपचाप जा और उन्हें बाहर निकाल कर कार तक पहुँचा, बाकी हम देख लेंगे। फाइन देन मॉम। ठीक है, अब आपका बेटा आपसे मिलने आ रहा है, जस्ट गेट रेडी। धुआं कहां से आ रहा है? अरे आग लग गई, अरे आग लग गई। अरे देखो, हवलदार जाके देखो।
नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ सकता। मैं नहीं भूल सकता कि मॉम अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। जैसे खुद को जेल से रिलीज करवाने के लिए उन्होंने ट्विंकल को किडनैप करवा दी। मॉम कभी नहीं बदल सकती। इस वक्त मुझे सिर्फ ट्विंकल के बारे में सोचना है। सो लेट्स डू इट योर वे मॉम। अगर मेरी ट्विंकल की जान की कीमत आपकी आजादी है मॉम, तो मुझे ये मंजूर है। बस अब ट्विंकल जल्दी से घर आ जाए। आखिर ये किडनैपर्स चाहते क्या है? अगर फिरौती चाहिए होती तो अब तक तो फोन आ जाना चाहिए था। पता नहीं हमारी ट्विंकल किस हाल में होगी। 3 घंटे हो गए मॉम को जेल से बाहर आए हुए। अब तक तो उन्हें ट्विंकल को छोड़ देना चाहिए था। आई नीड टू कीप द फेथ। आई एम श्योर ट्विंकल बस आती होगी। मैं देखती हूँ बेटा। यूवी किधर है? क्या हुआ? मैंने तुझसे कहा था ना इंस्पेक्टर साहब को फोन करके बताने के लिए कि रॉकी पर हमला हुआ था। क्या हो गया है तुझे? क्यों नहीं बताया? जी बेबे, एक्चुअली वो मेरे दिमाग से निकल गया। पर पुत्र, मैं जानती हूँ कि तू परेशान है, लेकिन पुत्र जब तक तू इंस्पेक्टर साहब को नहीं बताएगा कि रॉकी पर हमला हुआ था तो वो हमारी मदद कैसे करेंगे? चल कोई नहीं, तो परेशान ना, मैंने सब कुछ बता देता है इंस्पेक्टर साहब। अनीता, से अनीता लूथरा को जेल से बाहर निकाला गया है, ऐसा मालूम होता है जैसे ये किसी की सोची समझी साजिश थी। अनीता, हाय रब्बा, ये चुड़ैल जेल से भाग गई। क्या? कहीं ऐसा तो नहीं अनीता ने ट्विंकल का किडनैप किया हो? हे भगवान, अब ये अनीता हमारी जिंदगी को फिर से नरक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पता नहीं बदले की आग में वो क्या क्या कर बैठेगी। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि आखिर ये अनीता जेल से छुटी कैसे, इसके पीछे किसका हाथ है, किसने छुड़वाया उसे। युवी, क्या तेनु ये बात पता थी कि अनीता को किसी ने जेल से निकलवाया? आप लोग प्लीज घबराइए, मैं पता लगा लूंगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर मेरी मॉम ने ट्विंकल को किडनैप करवाया है ना, तो मैं अपनी मॉम को छोड़ूंगा। मैं ट्विंकल को सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। I will bring her back. पुत्र, मैं जानती हूँ ट्विंकल की बहुत चिंता करता है। उसे कभी कुछ नहीं होने देगा, लेकिन तू अपनी माँ को भी चंगी तरह जानता है कि वो अपने बदले की भावना में किसी भी हद तक जा सकती है। अपना बदला लेने के वास्ते वो कुछ भी कर सकती है। पुत्र,
अगर हम पुलिस को सारी बात नहीं बताएंगे तो वो हमारी मदद कैसे करेंगे पुत्र? हमें उन्हें सारी बात बतानी होगी ना, तब वो हमारी मदद कर पाएंगे। मेरी बात तू समझ रहा है ना? हाँ, वैसे भी पुलिस तो यहाँ आती ही होगी। I'm sure युवराज उनके साथ पूरी तरह कोऑपरेट करेगा। गॉड, दिस इज सच अ मेस। चाहकर भी मैं आप लोगों से सच नहीं शेयर कर सकता और ना ही पुलिस की हेल्प ले सकता हूँ। सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर मैंने एक भी गलत स्टेप लिया तो ट्विंकल के लिए खतरा कहीं बढ़ ना जाए।